चीत करेंगे पीएम मोदी, चीत का देंगे मत। शिवसेना सांसद संजय राउत ने शिंदे गुट पर साधा निशाना, बोले अपनों को धोखा देने में दुनिया में सबसे आगे। कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू समेत भाजपा नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। यूपी, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली के जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इंग्लैंड के बाद अब वेस्टइंडीज पहुंची टीम इंडिया, 22 जुलाई को खेलेंगे पहला वनडे। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री दिनेश खट्टिक ने इस्तीफा देने का टले लगाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि वह अपनी उपेक्षा से नाराज थे। माना जा रहा है कि अब तक अपने विभाग में काम का बंटवारा न होने से नाराज खट्टिक मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। सूत्रों का दावा है कि काम का बंटवारा न होने से नाराज दिनेश खट्टिक ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखी थी। दावा है कि मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय दिनेश खट्टिक के संपर्क करने की कोशिश में था, हालांकि उस वक्त उनका फोन नंबर भी ऑफ बता रहा था। दिनेश खट्टिक राज्य के हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री भी हैं। जिस तरह लगातार दिनेश खट्टिक को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है, दिनेश खट्टिक जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री भी हैं और जिस तरह से वो नाराज नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, साथ ही साथ उन्होंने कैबिनेट की बैठक में भी भाग नहीं लिया। वही ताजा खबर सूत्रों के हवाले से जो सामने आ रही है, ये भी निकल के आ रही है कि जो खट्टिक है वो अपने आवास पहुंच चुके हैं, वो खासा नाराज दिख रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सागर थापा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, दिनेश खट्टिक को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है? तमाम तरह की अटकलें उनके इस्तीफे को भी लेकर लगाई जा रही हैं। जी देखिए, दरअसल सबसे पहली बात आपको बता दूं कि दिनेश खट्टिक काफी दिनों से नाराज चल रहे थे और कुल मिला के कल उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है और सरकारी गाड़ी से लेकर सरकारी आवास तक छोड़ दिया है। नाराज की अगर बात करूँ, नाराजगी की बात करूँ, तो सबसे बड़ी बात यह थी कि इन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने कुछ लोगों को या अपने लोगों को एक ट्रांसफर के लिए बोला गया था, लेकिन विभाग के कुछ बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने इनकी बातें काट दी और बातों को लेकर नाराजगी इतनी जाहिर की है उन्होंने कि इन्होंने स्थिति का ऐलान साफ साफ कर दिया है। और कुल मिला के आपको बता दूं कि इन्होंने सरकारी आवास से लेकर सरकारी गाड़ी तक छोड़ दिया, मेरठ तक चले गए हैं और कुछ दिन पहले ही मेरठ में कुछ इन जातिवाद को लेकर और कुछ पुलिस को लेकर कुछ विवाद हुआ था, उसमें पुलिस के खिलाफ भी एफआईआर लिखी गई थी और साथ ही साथ इनके लोगों पर भी एफआईआर लिखी गई थी। तो इस बात से भी नाराजगी बहुत जाहिर होती है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो दिनेश खट्टिक बहुत ही अहम भूमिका रखते थे राज्य मंत्री के, जल शक्ति विभाग के। तो देखा जाए अगर ये तो योगी सरकार में बहुत ही अहम भूमिका रखते थे और आज इन्होंने इस्तीफा का ऐलान किया है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बहुत बड़ी बात है और सरकार में ये थे या सरकार में रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस फैसला आपको बता दूं कि इन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी, सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले थे, हो चुके थे, उसके बाद बावजूद भी इनके पास कोई काम नहीं आ रहा था। सागर, तो काम ना मिलने। सागर, क्या आप किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्री को मनाने की कोशिश करेगी लगातार, क्योंकि एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है दिनेश खट्टिक? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके थे, उसके बावजूद इनके पास काम नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इनको मनाने की जुगत में लगी हुई है और सीएम योगी से लेकर तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं, बड़े जो मंत्री हैं, इनके नाराजगी को दूर करने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर बात करूंगा दिनेश खट्टिक की, तो दिनेश खट्टिक एक बहुत अहम भूमिका रखते थे क्योंकि एक SC ST वर्ग से आते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कि भाजपा का एक सबसे बड़ा संकल्प ये है कि सबको, सबका साथ, सबका विकास लेके चलना है।
तो अब ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि इनको मनाना। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर बात करूँ तो सीएम योगी से लेकर जो ब्रजेश पाठक हैं और तमाम जो डिप्टी सीएम हैं वो मनाने में लगे हुए हैं उनको, और मुझे ये लगता है जहाँ तक मेरा ये मानना है कि ये मान जाएंगे। जी फिलहाल आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ धाम पर सावन के इस पवित्र महीने में कांवड़ियों की भीड़ जमा हो रही है। हर दिन देश के कोने कोने से कांवड़िया आकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। इसके साथ गही गंगा में डुबकी भी लगा रहे हैं। सावन के महीने में काशी के गलियों और घाटों पर हर हर महादेव के उद्घोष दिन रात सुनाई दे रहे हैं। बनारस काशी की नगरी है, बनारस भोलेनाथ की नगरी है। आपको बता दें कि सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है, जिसको लेकर के कांवड़िया देश और प्रदेश से यहाँ लगातार आ रहे हैं। यही चित्तरंजन पार्क है, जहाँ आपको बताएंगे कि यहाँ से 10 कदम की दूरी पे गंगा जी हैं, जहाँ स्नान करते हैं जलाभिषेक करने के लिए। वहाँ स्नान करने के बाद बाबा विश्वनाथ पर जाकर जलाभिषेक करते हैं। उसके बाद यहाँ लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर यहाँ कांवड़ियाँ को रुकने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोग आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद लोग दूर दराज से आए हुए हैं। आइए इनमें से हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। जी कहाँ से आए? बहराइच। कब आए? हम तो आज सुबह आए। और अभी कहाँ जाएं? अब यहाँ से जाएंगे अयोध्या। किस तरह का व्यवस्था है यहाँ पर? ठीक ठाक है। खाने पीने की क्या व्यवस्था? वो इस बार नहीं है, इस बार नहीं है। पहले थी? हाँ पहले होता था, दो साल इस बार नहीं था ना, तो बंद ही था। उसके पहले होता था। सर मेरा नाम प्रदीप कुमार द्विवेदी। कहाँ से आए हैं? मानिकपुर चित्रकूट से रहने वाला हूँ। क्या व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ हमको बहुत अच्छा लगा, मंदिर का अच्छा निर्माण हुआ, गंगा जी के दर्शन लिए। हम लोग पूर्णिमा को आगे वहाँ गए, मनगंजन स्वामी से होते हुए सीधे बनारस, वहाँ बाबा बैद्यनाथ जी, बाबा बैद्यनाथ जी के बाद बासुकीनाथ गए, बासुकीनाथ के बाद यहाँ बनारस आए यहाँ। और हमको सब अच्छी व्यवस्था लगी, थोड़ी टहलने के लिए ये है कि थोड़ी ये बंधन बन जाए धर्मशाला तो बहुत अच्छा हो। सामान हमारा इंगन उंगन है, किराया बहुत महंगा है, सिर्फ टहलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ विश्राम गृह बनाया गया आप लोग को रुकने के लिए, यहाँ कैसा? ये तो बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद रहा इस लोगों का, सरकार का, कि काफ़ी व्यवस्था रही, हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध रही। किसी तरह की दिक्कतें नहीं? नहीं, यहाँ की कोई दिक्कतें नहीं, शासन बहुत अलर्ट रहा। जी क्या नाम है? मेरा नाम अच्छेलाल है। मैं अच्छेलाल। अच्छा, मैं आया हूँ चित्रकूट जिला मानिकपुर से। कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद? यहाँ तो ठीक है, जैसा भी है अच्छा लग रहा है हमें। यहाँ करने के बाद, दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर विश्राम करने के लिए आए, यहाँ कैसा लगा? ठीक है, अच्छा लगा हमें, हम हमेशा आते हैं यहाँ पर। कुछ खाने पीने की यहाँ व्यवस्था? हाँ, पहले होती थी, अब इस साल नहीं हो पाई है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उतने में भी खुश हैं। अधिकारी कांक्षा राणा ने विकास खंड अहरोरी में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत नया गांव देवरिया ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं में तीन योजना का निरीक्षण किया गया, भौता कमालपुर, नयागांव देवरिया और काकुमो का निरीक्षण किया गया। तो वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे जो बोरिंग होने की, बोरिंग सब जगह हो गई है, ओएसटी टैंक का निर्माण हो रहा है और तीनों जगहों पे जो आपकी इंडिविजुअल हाउस होल्ड में जो कनेक्शन देने हैं, वाटर कनेक्शन देने हैं, उसकी पाइपलाइन ले दी जा चुकी है और वहाँ पे अधिकांश घरों में कनेक्शन दिया जा चुका है और पानी की भी टेस्टिंग चल रही है और आने वाले समय में सबके घर में पानी पहुँचाया जाएगा। हरदोई में राजस्व विभाग का नया कारनामा सामने आया है। राजस्व विभाग ने एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया और उसका मृत प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। ऐसा एक मामला शाहबाद से सामने आया है, जहां रहने वाले एक बुजुर्ग महाराज सिंह को कागजों में मृतक दिखा दिया गया और जब अधिकारियों के पास गुहार लगा रहे हैं और मैं जिंदा हूँ लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या मामला हुआ? आप तहसील आए? हम जिंदा हैं, हमें मृतक दिखाए गए और लोगों के नाम निराश करते हैं। किसने मृत दिखाया आपको? देखभाल। कहाँ के निवासी हैं आप? हम गौरिया। आज आप कहाँ आए हैं? सावा। किस अधिकारी के पास? तहसील।
शिकायत कर दी अधिकारियों से? हाँ, करी। क्या आश्वासन दिया गया आपको? थोड़ी देर में जहाँ एक तरफ देश के कई हिस्सों में प्रकृति का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जनता भीषण गर्मी से परेशान है। जबकि कुशीनगर के अनेकों गांव में जब हमारी टीम जायजा लेने पहुंची, तो वहां किसानों की समस्या निकल कर सामने आई, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने किसानों से बातचीत की तो पता चला कि गाँव के किसान सूखे से परेशान है और उनकी फसलें भी सूख रही है। अकोहल चाहत नहीं है जो सब सूखा था, सो कहाँ कैसे काकोल जाए, कैसे रहल जाए, लैकन के काखिया हो जाए, कैसे और अपन आगम सो चल जाए, सूखी गए से का हुई अब हमने के। सरकार से आप का मांग कर चाहत नहीं? अब मांग कर चाहत नहीं हमने के, अब पेट पर्दा के अपन सूखी खातिर मांगल जाए, दूसर का मांगल जाए, बच्चन के का खियाए हम, धान के फसल सूखी गए, मुखी सूखी गए खेत में। अभी चाचा जी कि 5 एकड़ हमारा गन्ना बा, सब सूख गए, कैसे खर्चा चली, कैसे लगा ब्याह शादी करब, खाओ गया मिल का करब, अभी गन्ना रहते हैं गिरा पैसा पाई। सरकार ये मांग चाचा नहीं कि वह गन्ना सूखे तो आपका खर्चा चाहिए। अच्छा, हाँ मदद चाहिए। हम पहुँचे हैं कुशीनगर जनपद के कसिया ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा पकड़ीमा भैंसहा में। यहाँ पर हम किसानों से जानेंगे पानी बिना सूख रही फसलों के संदर्भ में, हम जानेंगे क्या है यहाँ की स्थिति। यहाँ हमारे साथ कुछ किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। गन्ना मेरा है, 5 पानी चलाए हैं, हमारे ढाणा मिल चीनी से 875 रुपया कुंटल बीज लेकर के 5 पानी चला चुके हैं, पानी बिना मेरा गन्ना ये सूख रहा है, धान भी वो भी सूख रहा है। अब लोग सारा पैसा हम लोग लगा दिए, अब हम लोग क्या करें, भूखे बिना मर रहे हैं हम लोग। गन्ना देखिए 5 पानी चलाए और पैसा नहीं हमारे पास, कहाँ से हम पानी चलाएं, इसमें सारा मेरी गन्ना सूख गई, इतना महंगा को बिया खरीदे, बीज मिला था वो भी बीज 38 वाला सूख गया। आपको बता दूं कि यहाँ जनपद में काफी ग्राम सभाओं में हमारा आना जाना हुआ है, चारों तरफ फसलों को लेकर के यहाँ के गन्ना किसानों में काफी चिंता बना हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है गन्ना पे आधारित है, धान पे ही आधारित किसान है, सब्जियों पे ही आधारित किसान है, और इन सभी चीज़ों को लेकर के आज पानी की जो समस्या है, जो सिंचाई की समस्या है, वह यहाँ काफ़ी बनी हुई है, जिससे पूरे हमारे जनपद के किसान चिंतित हैं। यही चाहते हैं कि मान लीजिए हमारे भारत सरकार के द्वारा चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम किसानों के लिए योजनाएँ बनी हुई हैं, जिसका लाभ हमारे किसानों को, हमारे मजदूर भाइयों को मिल रहा है। इस समस्या का जो जल की समस्या है, जो सिंचाई की समस्या है, चूंकि बता दें कि यह ग्राम सभा हमारा भैंसहा है, इसमें जो है काफी जगहों पे पानी की समस्या सबसे बड़ी बनी हुई है। यहाँ एक अतिरिक्त या वैकल्पिक किसी भी व्यवस्था के रूप में जो है हम चाहेंगे कि एक ट्यूबवेल का निर्माण हो जाए, जिससे आने वाले समय में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न न हो, समय से किसान अपनी सिंचाई की व्यवस्था को करता रहे। संवाददाता ज्ञानेश्वर उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश्वर, किसानों को क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बारिश नहीं होने की वजह से? जी, मैं आपको बता दूं कुशीनगर जनपद के लगभग समस्त गांव में आज बारिश न होने से किसानों को धान में पानी चलाना पड़ रहा है, गन्ना में पानी चलाना पड़ रहा है। यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं धान और गन्ना है, धानों में वो जो एक दीदारें फट चुकी हैं बारिश न होने से, किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि अगर बारिश नहीं होगा तो हम लोगों की जो फसलें हैं उसमें लागत ज्यादा हो जाएंगी और उपज कम हो जाएगा और हम लोगों के सामने एक आर्थिक संकट गुजर रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र के किरतियापुर निवासी अरविंद ने दबंगों से परेशान होकर एएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान एएसपी से शिकायत करते हुए पीड़ित ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ दबंग उसकी पैतृक जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से दबंगों ने पीड़ित की जमीन पर ट्रैक्टर से घूरा हटाकर कब्जा करने की कोशिश की और जब उसका विरोध किया गया तो शिकायत के बावजूद पुलिस ने दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे उनके हौसले बुलंद हो गए। अरवल थाने गए, थाने में हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई और घूरा कूरा के मामले में हमारा मारपीट हुआ और उसके बाद में हम पर घेर लिया, मारा पीटा। हम यहाँ आए हैं एसपी साहब के। क्या क्यों मारा पीटा, क्या बात रही? वो घूरा कूरा पड़ रहा है मेरा, उसके बाद में उन्होंने ऐसा किया कि ये हटा दो, इनका यहाँ जगह नहीं है। हमारा पूर्व जन पूर्व लोगों से पड़ रहा है, पुरखों लोगों से पड़ता है और हमको वहाँ से भगा रहे हैं। तो आपने स्थानीय थाने पर शिकायत की, उसके बाद में आप कहाँ शिकायत करने आए? संवाददाता हर्ष राज सिंह इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, क्या कुछ पूरा मामला है जो दबंगों की दबंगई सामने आई है? ये अरवल थाना क्षेत्र के किरतियापुर का मामला है। यहाँ जो पीड़ित अरविंद है उसने आरोप कुछ गांव के दबंग लोगों पे लगाया है। ये पैतृक जमीन है जिसको कब्जाने के लिए ये सब गांव के ग्रामीण उस पे दबंग तरीके से कब्जाने का आरोप लगा रहे हैं। इसमें हर्षा, जहां एक तरफ भूमाफियाओं और दबंगों पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है, उसके बावजूद एसपी से शिकायत करने की नौबत कैसे आ गई? एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया गया? क्या कुछ कहना है उच्च अधिकारियों का इस पर? जो पीड़ित है वो पहले थानाध्यक्ष के पास गया, उन्होंने अपनी शिकायत की, लेकिन थानाध्यक्ष जो वहाँ के हैं उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। दबंगों के जो वहाँ के दबंग है उनकी जो पहुंच है उसके कारण थानाध्यक्ष उसकी सुने नहीं। बाद में वो जिले पे आता है, एसएसपी से शिकायत करता है, फिर उसके बाद एसएसपी ने उसको आश्वासन दिया है कि मैं कार्रवाई करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी जब थानाध्यक्ष नहीं सुन रहा। योगी सरकार है सत्ता में, बार बार कहा जा रहा है कि भूमाफियाओं के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन पीड़ित जो है उसको न्याय न मिलने के कारण जिले पे दौड़ता है। कहाँ बहुत मतलब जिस तरीके से इस दूरी को तय करने के बाद भी उसको न्याय न मिले, फिर इससे ज्यादा क्या हो सकता है? जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया हर्ष। औरैया में बुथना कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह चौराहे के पास चोरी और टप्पेबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में भगत सिंह चौराहे के पास एक युवक बैंक से पैसे निकालकर जा रहा था, तभी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने घटना की शिकायत कोतवाली में जाकर की, लेकिन पुलिस इन अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम है। क्या मामला है? सर, मैं रुपए निकालने आया था बैंक में, कैनरा बैंक से मैंने 90,000 रुपये निकाले और मैं आ रहा था चौराहे पे, मेरी गाड़ी खड़ी थी वहाँ से रेडी में फल लेने लगा मैं, इतनी देर में हमारे 90,000 रुपये निकल गए। कहाँ से निकले हैं? चौराहे पर। चौराहे पर अम्बेडकर मूर्ति के पास। आपको कोई जानकारी? कोई जानकारी? आपने थाने में FIR कराई? कानपुर देहात के थाना अकबरपुर रूरा समेत कई थानों में पकड़े गए अभियुक्तों ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से सोने चांदी के गहने, 2.5 लाख की नकदी समेत तमंचा, कारतूस और गाड़ियां बरामद की। जबकि इस मामले पर जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना अकबरपुर पुलिस स्वाट टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की है। भोर में CO अकबरपुर के नेतृत्व में स्वाट टीम और थाना अकबरपुर की टीम ने एक 4 सदस्यीय गैंग को पकड़ा है, जिसके पास से एक इको गाड़ी जो चोरी में इस्तेमाल होते थे, 2 मोटरसाइकिलें, उनके पास से एक तमंचा और 2.25 लाख रुपए और भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद हुई है। ये सभी ज्वेलरी जो हमारे जनपद के 5 थाना क्षेत्रों में चोरियाँ हुई हैं, जिसमें सिकंदरा, डेरापुर, अकबरपुर, रूरा थानों में जो चोरियां हुई हैं उनके माल बरामद हुए हैं। इनको नियमानुसार गिरफ्तारी की गई है और इनको नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है। फरीदाबाद में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस हादसे में एक शख्स तक की मौत हो गई तो वहीं दूसरी की हालत गंभीर है। गंभीर हालत में शख्स को इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही पेशे से शिक्षक हैं।
कुछ देर पहले हमारे दो युवक आए थे, अजीत और विजय। उनका एक्सीडेंट भड़कर चौक के नहीं आसपास में हुआ था, और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों को सेम गाड़ी ही मार के भाग गई। उस वक्त कुछ लोग और पुलिस वाले ईआरबी मशीन उनको सिविल अस्पताल लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान एक अजीत पेशेंट की मृत्यु हो गई। मेरे को जो नाम बताया उस भाई ने, विजय नाम बताया, NHPC चौक पे जो फ्लाईओवर है दिल्ली जाते हुए, वहाँ पे ये भाई पड़ा हुआ था बाइक से, और एक छोटा हाथी टाइप में वो उसका सारा सामान और वो भी सारा पड़ा हुआ था। मैं इंपीरियल ऑटो में एक मीटिंग के लिए गया हुआ था। मैं जब बाहर खड़ा एक किसी की वेट कर रहा था अपने किसी मिलने वाले की, तो मैंने देखा एक आदमी मेरी गाड़ी के आगे खड़ा होकर पीछे की तरफ देख रहा है काफ़ी कंटिन्यू। मैंने जब गाड़ी में उतर के देखा तो वहाँ पर पूरा जाम लगा हुआ था, भीड़ लगी थी। फिर मैंने वहाँ जाके अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड ले जाके वहाँ पर लगाई है, क्योंकि पुल तक मैं जा नहीं सकता था। वहाँ पर पब्लिक जो खड़ी है, मैं आपके वहाँ चैनल के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, वहाँ पर आप वीडियोज़ में देखेंगे किसी की में भी 100 से 150 लोग खड़े होते हैं, हर कोई रुकता है। 112 पे कॉल कर रहे हैं, 100 नंबर पे कॉल कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम 112 पे कॉल करना है, कॉल करके जाओ अपने घर। आप यकीन मानो वो रोड मुखर्जी किसको लेकर आए हैं, क्या सूचना मिली थी? हमें अक्सर पहले पता लगी इस पे बड़खल उसके फ्लाईओवर पर एक्सीडेंट हुआ है, वो मोटरसाइकिल हिट कर गया। तो हम गए जो वहाँ एम्बुलेंस तैयार थी, हम गए एम्बुलेंस बैठाने लग रहे थे, हम फौरी उसके आगे अपनी गाड़ी लेकर आए, रोड खाली करा गए, और 5 साल व्हीकल से ये बाइक पे थे जो आए हैं यहाँ पर? ये बाइक पे थे, अमरजीत नाम बताया गया इनका। और जो गाड़ी वाला था कौन सी गाड़ी वाला, कुछ पता चल पाया? बताई हुए सहवास कोतवाली क्षेत्र के गांव चमरपुरा मोड़ पर दो बाइक में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार अपनी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अलीगढ़ के थाना अकबराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा और मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दोनों युवक अकबराबाद क्षेत्र के कुआ गाँव के बताए जा रहे हैं। आपको जानकारी किसने किसके द्वारा मिली है? जानकारी फोन द्वारा मिली थी। पुलिस के द्वारा? फोन द्वारा, पुलिस के द्वारा, फोन द्वारा। किसने किया था आपको फोन? ये हमारे गांव के स्थानीय लोगों ने दिया आपको वहां पर। तो कुछ जानकारी है आपको कि ये कहां से कहां जा रहे थे? इतनी जानकारी नहीं। अच्छा, जो दूसरे हैं उनका क्या नाम है? जीतू। जीतू, उनके बारे में जानकारी है, क्या हुआ उनका? उनके बारे में जानकारी, गाड़ी में एम्बुलेंस में बड़े ये घायल है, और दूसरे? दूसरे बीते दिनों कुशीनगर की दयाल चैनपट्टी के पास नदी में डूबे युवक के तलाश में गए ग्रामीण नरायणी नदी के बीच मझधार में फंस गए, जिन्हें पुलिस टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आपको बता दें मृतक विपिन सावन के पहले सोमवार को जल भरने गया था, इस दौरान युवक गहरे पानी में बह गया, जिसका शव SDRF की टीम ने बाहर निकाला। वहीं जब इस मामले की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो वह अपनी नाव वापस लेने लगे, इसी दौरान नाव में लगे इंजन का फ्यूल खत्म हो गया और नाव नदी के बीचों बीच फंस गई। वही पानी में बहे युवक की तलाश में ग्रामीण निकले थे, जिस दौरान उनकी जो नाव है वो बीचों बीच फंस गई और उसका फ्यूल खत्म हो गया, जिसके कारण सभी लोग नदी के बीचों बीच फंस गए। फिलहाल पुलिस सभी लोगों को बाहर निकाल ली है। मृतक युवक का शव पहले ही SDRF की टीम के द्वारा बाहर निकाला गया था। गौरतलब है कि सावन के सोमवार के पहले दिन ही युवक जल भरने के लिए नदी में गया था, जिस दौरान वो गहरे पानी में गया और डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि सावन का सोमवार एक अहम त्यौहार है, भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है, जिसके तहत लोग दूर दूर से शिव मंदिरों पर आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। इसी कड़ी में एक युवक पानी भरने के लिए गंडक नदी के बीच धारा में फंस गया और जिसकी मौत हो गई। फिलहाल SDRF टीम की मदद से शव को बाहर निकाला जा चुका है। संवाददाता ज्ञानेश्वर उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश्वर, जो मृतक युवक है, क्या उसको कोई मदद का आश्वासन दिया गया, और जो ग्रामीण है वो किन वजह से बीच नदी में फंस गए? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है तरिया सुजान के जवही दयाल
चैन पट्टी के समीप का पूरा मामला बताया जा रहा है। जो युवक है ये सोमवार के दिन सावन के प्रथम दिन जो सावन के प्रथम दिन सोमवार को ये नदी में जल भरने के लिए गया हुआ था, जहां पर उसका पैर फिसल जाने के कारण वो गहरे पानी में चला गया, डूब गया। इस बात की जैसे ही जानकारी ग्रामीणों को हुई, ग्रामीण आनंद फानन में उसको खोजने लगे। प्रशासन की मदद से एनडीआरएफ की टीम से उसको खोजा गया, परंतु उसको कहीं देखा नहीं गया। प्रशासन पूरा खोजबीन करता रहा, शाम तक लगातार प्रयास किया, लेकिन उसका कहीं भी अता पता न चल सका। अंतोगत्वा पुनः जो ग्रामीण है, ग्रामीण एक बार पुनः खोजने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने एक स्टीम, एक नाव के जरिए वहां नदी में जाते हैं और खोजबीन करते हैं। तब तक इनका जो ईंधन है, जो डीजल है, वो डीजल बीच मझधार में समाप्त हो जाता है, नाव वहां फंस जाती है। उसके बाद जो फिर दूसरी नाव लाई जाती है, उसके बाद ग्रामीण किसी के जरिए सूचना देते हैं, वो एक नाव आती है, वो भी नाव उसमें जाके फंस जाती है। अब इस बात की जानकारी जैसे ही प्रशासन को होती है, प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। उस नाव में लगभग तकरीबन 40 लोग सवार होते हैं। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचती है पुनः, और डीजल को डलवा करके उस नाव को लाई जाती है, जो भी उसमें लोग 40 लोग हैं। ज्ञानेश्वर, नाव में जो 40 लोग थे, क्या वो सभी सुरक्षित है? जी, वो सभी लोग सुरक्षित उनको बाहर निकाला गया है। देर रात कुशीनगर जिलाधिकारी एस रावजलिंगम तथा पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने भी वहां पर दौरा किया है और सभी नाव में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकलवाया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया ज्ञानेश्वर। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।